कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज जानेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, खाद्य तेल के मार्केट में क्या कीमतें चल रही हैं, किस तरह उतार चढ़ाव ट्रेंड आज आप खास तौर से सरसों सीड में देख सकते हैं। विस्तार से इस बारे में बात करेंगे, इसलिए हमारे साथ आप खबरों में अंत तक जरूर बने रहिए। सरसों सीड के बाजार के बारे में बात करते हैं। आज कीमतों में नरमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है सरसों में। शिकागो में सोया तेल के दाम आज कमजोर है, साथ ही मलेशिया में अगस्त महीने के पाम तेल के वायदे के अनुबंध में नरमी दर्ज करी गई है, इसीलिए घरेलू बाजार में भी सरसों कीमतों में हल्की नरमी देखी जा सकती है। घरेलू मार्केट में सरसों सीड के साथ साथ सरसों तेल और खल के दाम भी फिलहाल के लिए कमजोर देखे जा रहे हैं। हम कीमतों के बारे में बात करते हैं तो कीमतों में बाजारों में गिरावट देखी गई है। 5100 रुपए का रेट हो गया है जयपुर का सरसों सीड का। दिल्ली कीमतें 4950 रुपए तक की, यहाँ पे हल्की सी गिरावट के साथ आप कारोबार बाजारों में देखकर चल सकते हैं। बरवाला का रेट 4850 रुपए तक की हल्की सी बढ़त दर्ज करी गई। साल का रेट 4800 चल रहा है। अवर की कीमतें 4900 रुपए तक की हल्की गिरावट के साथ यहाँ पे कारोबार हुआ है। इसके अलावा सरसों प्लांट के बारे में बात करते हैं तो सलोनी जमशाबाद का रेट 5475 है, 25 रुपए तक की बाजारों में यहाँ पे गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी अलवर का रेट 5425 है, जिसमें भी 25 रुपए तक की गिरावट आई है। इसके अलावा सलोनी कोटा का बाजारों में आप आज का रेट 5425 रुपए देखकर चल सकते हैं। मार्केट में जो ओवरऑल जो आज का ट्रेंड है वो आपको निगेटिव देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा बाजारों में बढ़त दर्ज नहीं करी गई है। हालांकि कल के दिन सरकार द्वारा एमएसपी प्राइस बढ़ाए गए थे, लेकिन उसका जो असर आने का अनुमान लगाया जा रहा था उसकी वजह से बाजारों में जो तेजी आनी थी वो नहीं देखी जा रही है। तेजी न आने की जो खास वजह है वो यही है कि विदेशी बाजारों में अभी भी गिरावट के साथ कारोबार देखा जा रहा है, और विदेशी बाजार में जब तक सुधार नहीं देखा जाता आपको घरेलू बाजारों में नरमी के साथ ही कारोबार बाजारों में देखने को मिल सकता है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।